नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार दीपावली को यूं तो हम हमेशा से मनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है आपने कि क्या हम दीपावली का त्योहार क्यों मनाते हैं? इसके पीछे आखिर मान्यताएं क्या हैं? अब ये सुनकर ज्यादातर लोग कहेंगे कि हां, हमें तो सब पता है कि क्यों आखिर दीपावली मनाते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के बाद वापस अपने घर अयोध्या लौटे थे। लेकिन यह सिर्फ एक मान्यता है। इससे अलग भी दीपावली का त्यौहार मनाने के पीछे कई और मान्यताएं हैं, और वो क्या मान्यताएं हैं आगे देखिए आप। दीपोत्सव का पर्व दीपावली का उत्सव भारत सहित दुनिया भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सनातन धर्म में दीपावली पर्व का विशेष महत्व और बड़ा त्योहार के तौर पर माना जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है, और ये धनतेरस से शुरू होकर 5 दिवसीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। दीपोत्सव के इस पर्व पर धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना के साथ ही भगवान गणेश की भी पूजा होती है। इसके साथ ही दीपावली के त्योहार को मनाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं और कथाएं भी हैं। यूं तो इस साल दीपावली 1 नवम्बर को मनाई जाएगी, जो शास्त्र संवत भी है, क्योंकि उसी दिन अमावस्या का सूर्य उदय भी है। सनातन धर्म में सूर्य उदय का बेहद खास महत्व होता है। अब दीपावली के पर्व को मनाने के पीछे कई कथाएं हैं और कई मान्यताएं भी। उनमें से एक कथा ये भी है कि भगवान श्री राम जब 14 साल का वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे, तो उनके स्वागत में दीपोत्सव मनाया गया था, और उसी दिन को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही पांडवों की भी एक कथा है कि पांडव जब चौसर में कौरवों से हार गए थे और उनको 12 साल का वनवास मिला था, उन 12 सालों का वनवास पूरा करके पांडव भी जब अपने घर वापस आए थे, तब उनके स्वागत में दीपदान और दीपोत्सव मनाया गया था। इसके साथ ही नरक चतुर्दशी भी मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी की मान्यता की बात करें तो इसके अंतर्गत भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों को नरक से मुक्त किया था, और उसके साथ ही नरकासुर का वध भी किया था, और जिस दिन नरकासुर का वध किया गया था उस दिन ही दीपदान और दीपोत्सव हुआ, और पाप पर पुण्य की विजय का पर्व भी मनाया गया। सनातन धर्म में भी सबसे बड़ा पर्व दीपावली ही है, और अगर सामान्य तौर पर देखें तो हर महीने आने वाली अमावस्या को कोई भी धार्मिक कार्य या फिर कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है, और उसके साथ ही किसी भी प्रकार की खरीद जिसमें सोना चांदी लोहा कुछ भी नहीं खरीदते हैं। इसके साथ ही मांगलिक कार्य भी सामान्य अमावस्या के दिन को हम टालते हैं, लेकिन दीपावली की जो अमावस्या आती है उस दिन सभी धार्मिक कार्य और पूजा पाठ के साथ ही खरीद भी की जाती है, क्योंकि जिस दिन त्योहार होता है उसी दिन किसी तरह का पंचांग चौघड़िया नहीं देखते, और उस दिन पूजा पाठ करने से ही फल मिलता है। और बात अगर दीपावली के मुहूर्त की करें तो इस बार 31 अक्टूबर को अमावस्या तो गोधूली बेला में आ जाएगी, लेकिन जो पूजा का विधान है वो 1 नवंबर को तय हुआ है, क्योंकि 1 नवंबर का जो सूर्य उदय है वो अमावस्या का सूर्य उदय होगा, जिसमें आप गोधूली बेला तक माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। 31 अक्टूबर की रात से लेकर 1 नवंबर की शाम तक पूजा अर्चना की जा सकती है, क्योंकि सनातन धर्म में सूर्य उदय की तिथि को ही मान्य माना जाता है। इस बार 2024 की जो दीपावली है वो 1 नवंबर को मनाई जाएगी, और शास्त्र संबद्ध है, क्योंकि उसी दिन अमावस्या का सूर्य उदय है। सनातन धर्म में सूर्य उदय की अपन तिथि लेते हैं, तो अमावस्या का जो सूर्य उदय है वो 1 तारीख को है, तो सभी को 1 तारीख को दीपावली मनानी है। और दीपावली क्यों मनाते हैं, विशेष उसी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी दे देता हूँ। मैं
श्री रामचंद्र जी 14 साल वनवास काट के रावण का वध करके पुनः जब अयोध्या पधारे थे तो उनके स्वागत में दीपो उत्सव मनाया गया था और दीपदान भी हुए थे और उसी दिन को अपन दीपावली मानते हैं। और इसके साथ भी पांडवों की भी कथा है कि पांडव 64 में जब हार गए थे जुए में, उनको 12 साल का वनवास मिला था, उन 12 साल को पूर्ण करके पांडव भी अपने गृहनगर में आए थे, तब भी उनका ना दीपदान और दीपोत्सव मनाया था। तो ये दीपावली जो है ना वो दीपोत्सव का त्यौहार है, तो इस दिन राम जी भी है ना वनवास काट के आए थे और पांडव भी आए थे, तो इस कारण से ही है। और इसके साथ ही आप नरक चतुर्दशी भी मनाते हैं। नरक चतुर्दशी में क्या है, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी 16,000 पट रानियों को नरक से मुक्त किया था, इसलिए उसको नरक चतुर्दशी बोलते हैं। और नरकासुर का वध भी किया था उसी दिन, तो जिस दिन नरकासुर का वध किया था उस दिन भी दीपदान और दीपोत्सव हुआ था। तो ये लाइट ऑफ फेस्टिवल है, ये रोशनी का त्यौहार है। अक्सर सवाल ये होता है कि माता लक्ष्मी का प्राकट्य कैसे हुआ। इस पर ये मान्यता है कि एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से मिलने के लिए आए और उन्होंने इंद्रदेव को एक फूलों की माला पहनाई, जिस पर इंद्र ने उस माला को उतार कर अपने प्रिय हाथी एरावत को पहना दिया और एरावत ने भी उस माला को उतार कर पृथ्वी पर फेंक दिया, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि बहुत ज्यादा नाराज हो गए। इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम शक्ति और सत्ता विहीन हो जाओगे, जिस पर इंद्र को बहुत पछतावा हुआ और धीरे धीरे इंद्र कमजोर होते चले गए। उनकी सत्ता पर दानव प्रभावी होने लगे और देखते ही देखते दानवों ने इंद्र की पूरी सत्ता को हथिया लिया। और इसी तरह धरती पर भी दरिद्रता मिटाने के लिए मां लक्ष्मी का आवाहन और पूजा भी की जाती है। फिर से हासिल किया। दीपावली के पर्व पर अक्सर ये सवाल होता है कि मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की ही पूजा क्यों की जाती है, तो इसके पीछे भी एक कथा है जिसके तहत मां लक्ष्मी ने लोगों की सुख शांति और समृद्धि के लिए इस सृष्टि पर धन के सिवा कुछ नहीं होता, धन एक व्यवहार की वस्तु है और लोग धन से खुश होते हैं, तो धन के देवता कुबेर को धन वितरण करने के लिए नियुक्त किया गया, क्योंकि धन के देवता कुबेर थोड़े कृपण थे और वो धन सावधानी के साथ और थोड़ा थोड़ा सृष्टि में वितरण करते थे, जिसके कारण लोगों में संतुष्टि नहीं थी और लोग इतने सुखी नहीं हो पाए थे जितना उनको होना चाहिए था। इसीलिए इस दुविधा को दूर करने के लिए मां लक्ष्मी ने दीपावली पर लोगों को सुख शांति, संपत्ति और समृद्धि कई तरीके से मिले, इसके लिए भगवान गणेश को नियुक्त किया। और इसी कारण दीपोत्सव के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा होती है। और दूसरी ओर भगवान गणेश इस दिन विशेष पूजा करने पर खूब धन धान्य की वर्षा करते हैं। दीपावली के पर्व पर अक्सर ये प्रश्न उठता है कि माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी क्यों विराजमान रहते हैं और माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की ही पूजा क्यों होती है। इसकी भी एक कथा है कि माँ लक्ष्मी ने लोगों के सुख समृद्धि और शांति के लिए इस सृष्टि पर धन के सिवा कुछ नहीं होता, धन एक व्यवहार की वस्तु है, धन से लोग सुखी होते हैं, तो धन के देवता कुबेर जी को धन वितरण करने के लिए नियुक्त किया गया। कुबेर जी महाराज थोड़े कृपण थे, कंजूस थे, तो वे धन को बहुत सावधानी पूर्वक थोड़ा थोड़ा सृष्टि में वितरित करते थे। इससे लोगों में संतुष्टि नहीं थी और लोग इतने सुखी नहीं हो पाते थे जितना होना चाहिए। इसलिए इस दुविधा को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी ने दीपावली के दिन लोगों को अच्छी सुविधा, सुख, संपत्ति, शांति सही तरीके से मिले, इसलिए गणेश जी को नियुक्त किया। इसी दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की इसी कारण से पूजा होती है। लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने दोनों हाथों से लोगों को दीपावली के दिन खूब धन की वर्षा करते हैं और खूब धन्य धान्य का वितरण करते हैं। वहीं दीपावली के दिन रात के समय ही मां लक्ष्मी की पूजा इस कारण से भी होती है
क्योंकि सृष्टि में धन की देवी माँ लक्ष्मी रात के समय ही विचरण करने जाती हैं और माँ लक्ष्मी को ज्योति का रूप भी माना जाता है। और रात के समय महालक्ष्मी जब विचरण करती हैं तो वो ये देखती हैं कि कौन उनकी आराधना कर रहा है। और दीपावली के पर्व जो कि अमावस्या को होता है, ये पर्व अंधकार को ज्योतिमय बनाने का पर्व है। सुख और समृद्धि का प्रतीक दीपक होता है और हम दीपक इसलिए जलाते हैं, सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल की बेला होती है और इसी काल में ज्यादातर लोग सिंह लग्न के साथ अन्य जो लग्न होते हैं उनमें अपनी राशि के अनुसार पूजा करते हैं। इसी समय माँ लक्ष्मी विचरण करने के लिए आती हैं और इसी समय पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न भी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा केवल रात्रि को ही क्यों होती है, यह भी एक अच्छा प्रश्न है। माँ लक्ष्मी एक तो ज़्यादातर अपनी सृष्टि में रात्रि कालीन के समय ही विचरण करने जाती है और सभी को देखती है, परखती है कौन किसकी पूजा कर रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है। और दीपावली के दिन अंधकार को ज्योतिमय बनाने के लिए का पर्व है। सुख और समृद्धि का प्रतीक दीपक होता है, हम दीपक इसीलिए जलाते हैं। और सूर्य अस्त के बाद प्रदोष काल की बेला होती है, इसी काल में अधिकतर लोग सिंह लग्न में और अन्य जो लग्न होते हैं उनमें अपनी राशि के अनुसार पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी इस समय रात्रि के समय ही विचरण करने आती है और इसी कारण जब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए अपने भक्तों को देखती है तो वो बहुत प्रसन्न होती है और इसी प्रसन्नता से वह माँ लक्ष्मी रात्रि के समय सभी को आशीर्वाद देती है और सभी को सुख संपत्ति शांति सभी तरह के आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आपने ये तो जाना कि दीपावली का त्यौहार मनाने के पीछे क्या क्या और कितनी मान्यताएं हैं और इतिहास के पन्नों में दर्ज कितनी कहानियां हैं। लेकिन इस सब के बीच आपके मन में एक और सवाल होगा कि आखिर दीपावली की पूजा हम रात में ही क्यों करते हैं, दीपावली की रात में पूजा करने का विधान आखिर क्या सही में ये सही है। इस सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा। दीपावली जिसे अमावस्या का त्योहार भी कहा जाता है, दीपावली भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। इस त्योहार पर विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन हमेशा रात में या सूर्यास्त के बाद ही क्यों किया जाता है? इसके पीछे कई धार्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय मान्यताएं हैं जो इस परंपरा को और भी खास बनाती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे शुभ समय प्रदोष काल माना गया है, जो सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय होता है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी रात्रि में धरती पर भ्रमण करती हैं। उसी समय पूजा करने से वो प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दीपावली के दिन रात में पूजा करना शुभ और फलदायी माना जाता है। रात में पूजा का ये विधान है कि इसमें अमावस्या होती है, अमावस्या जो होती है महाकाल की रात्रि होती है। उस रात्रि काल में लक्ष्मी जी का प्रबल योग बन जाता है। उस प्रबल योग में वृषभ लगन, मिथुन लगन, सिंह लगन ये पढ़ते हैं, कर्क लगन। इसमें जो लक्ष्मी जी पूजा की जाती है वो लक्ष्मी स्थिर और अचल रहती है, जो सदैव आपके व्यापार में और आपके घर में विराजमान रहती है। तो सात रोज बाद की प्राप्तात लक्ष्मी स्थिर अचल कुबेर कोष विराजमान और अप्राप्तात लक्ष्मी सिख प्राप्तात। तो वो लक्ष्मी उस समय किए गए पूजन के द्वारा लक्ष्मी उस घर में, उस व्यापार में
चिरकाल के लिए विराजमान रहती है, इसलिए रात्रि काल को महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दिवाली के दिन अमावस्या का समय होता है जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता और चारों ओर अंधकार फैल जाता है। अंधकार के बीच जब घरों में दीप जलाए जाते हैं, माता लक्ष्मी का स्वागत करने का ये प्रतीक होता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी को ज्योति का प्रतीक माना गया है। रात के समय दीप जलाने से ये संकेत मिलता है कि हम अपने जीवन से अज्ञानता और अंधकार को दूर करें, ज्ञान, समृद्धि और प्रकाश को आमंत्रित कर रहे हैं। पौराणिक मान्यता है कि दिवाली के दिन एक और खास महत्व होता है। भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को समुद्र मंथन से प्रकट होने के बाद माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने अंधकार में खोजा था। इस दिन अंधकार में दीप जलाने और लक्ष्मी पूजन का महत्व माना जाता है। दीपावली पर रात के समय पूजा को बेहद शुभ माना जाता है। इसीलिए स्त्री लगन होते हैं ना, स्त्री लगन में किया गया शुभ समय में किया गया लक्ष्मी जी का पूजन, उसका सुप्रभाव उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के व्यापार में उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए महालक्ष्मी का पूजन रात्रि काल में, मैंने आपको पूर्व काल में बताया कि वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, ये स्त्री लगन है, तुला लगन, ये स्त्री लगन है। स्त्री लगन में किया गया लक्ष्मी जी का पूजन उस व्यक्ति को उसके व्यापार में और घर में लक्ष्मी की प्रधानता देता है। क्यों सातों में वित्त है कि जो महालक्ष्मी पूजा होती है तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, यश और कीर्ति के लिए की जाती है। तो जिस कार्य के लिए अपन पूजन कर रहे हैं उस कार्य की प्राप्ति या उस कार्य का उद्देश्य जब पूर्ण होगा, जब उस कार्य को हम शुभ समय में करेंगे। और जो शास्त्रोक्त विधान है कि लक्ष्मी जी का पूजन रात्रि काल में, महारात्रि काल में किया जाता है, अमावस्या के रात्रि काल में किया जाता है, तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। तो दीपावली के दिन रात में ही क्यों पूजा की जाती है, इस सवाल का जवाब अब आपको मिला होगा। दरअसल पूजा करने की भी कुछ खास विधि और तरीके होते हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो रात में दिवाली पर पूजा करने की कहानी तो आपने जान ली है और इसकी मान्यताएं क्या हैं वो भी अब आप जान चुके हैं। लेकिन अब सवाल है कि दीपावली के दिन आखिर माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये भी आप जानिए। दिवाली, जिसे आम तौर पर दीपावली भी कहा जाता है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहार है। ये महापर्व पूरे भारत के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं और आतिशबाजी करते हैं। दीपावली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिवाली के दिन विशेष तौर पर धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग मानते हैं कि माँ लक्ष्मी इस दिन धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दिवाली के दिन बिना पंडित जी के भी पूरे नियम और विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, आइए जरा आपको बताते हैं। दिवाली की पूजन सामग्री। दिवाली के दिन सबसे पहले पूजा स्थल की साफ सफाई करें। पूजा की शुरुआत से पहले साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। मां लक्ष्मी स्वच्छ और पवित्र स्थान पर निवास करती हैं। सफाई करने के बाद पूजा स्थल को सजाना चाहिए। इसके लिए आप एक छोटा मंडप बना सकते हैं। एक चौकी पर मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। चौकी पर सफेद या लाल रंग का कपड़ा जरूर बिछाएं। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। नारियल, मिठाई, फूल अर्पित करें। धूप, कपूर, घी का दीपक जलाएं। अक्षत यानी कि चावल, रोली, कुमकुम, गंगाजल, पंचामृत और पान के पत्ते रखें। पूजा स्थल पर बैठकर ध्यान लगाएं और मन को शांत करें। मिट्टी के दीपक और पीतल का दीपक जलाएं। सिंदूर, चंदन, पंचामृत, बताशे, खील, कलश, शंख, थाली, चांदी का सिक्का और बैठने के लिए आसन और शुद्ध जल का इंतजाम जरूर करें। रात में पूजा का ये विधान है कि इसमें अमावस्या होती है। अमावस्या जो होती है महाकाल की रात्रि होती है। उस रात्रि काल में लक्ष्मी जी का
प्रबल योग बन जाता है। उस प्रबल योग के गण, उस प्रबल योग में वृषभ लगन, मिथुन लगन, सिंह लगन ये पढ़ते हैं, कर्क लगन। इसमें जो लक्ष्मी जी पूजा की जाती है वो लक्ष्मी स्थिर और अचल रहती है, जो सदैव आपके व्यापार में और आपके घर में विराजमान रहती है। तो सातों बात की प्राप्तात लक्ष्मी स्थिर अचल कुबेर कोष विराजमान, और अप्राप्तात लक्ष्मी सिख प्राप्तात, तो वो लक्ष्मी उस समय किए गए पूजन के द्वारा लक्ष्मी उस घर में उस व्यापार में चिरकाल के लिए विराजमान रहती है। इसलिए रात्रि काल को महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इसीलिए स्थिर लग्न होते हैं ना, स्थिर लग्न में किया गया शुभ समय में किया गया लक्ष्मी जी का पूजन, उसका सुप्रभाव उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के व्यापार में उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए महालक्ष्मी का पूजन रात्रि काल में, मैंने आपको पूर्व काल में बताया कि वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन ये स्थिर लगन है, तुला लगन ये स्थिर लगन है। स्थिर लगन में किया गया लक्ष्मी जी का पूजन उस व्यक्ति को उसके व्यापार में और घर में लक्ष्मी की प्रधानता देता है। क्यों सातों में वित्त है कि जो महालक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, यश और कीर्ति के लिए की जाती है। तो जिस कार्य के लिए अपन पूजन कर रहे हैं उस कार्य की प्राप्ति या उस कार्य का उद्देश्य जब पूर्ण होगा, जब उस कार्य को हम शुभ समय में करेंगे, और जो सातोत्र विधान है कि लक्ष्मी जी का पूजन रात्रि काल में, महारात्रि काल में किया जाता है, अमावस्या के रात्रि काल में किया जाता है, तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन विधि, सबसे पहले आप स्नान जरूर करें, पूजा से पहले लाल रंग के वस्त्र धारण करें, मंदिर को पूर्ण रूप से व्यवस्थित और साफ करें, कलश को सजाएं और उसमें जल यानी गंगा जल सुपारी डालें, हाथ में फूल और अक्षत लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। देवी का ध्यान करते हुए उन्हें दूध, दही, शहद के मिश्रण से स्नान करवाएं। स्नान के बाद उन्हें वापस से चौकी पर विराजित कर दें। फिर माता लक्ष्मी गणेश को कुमकुम का तिलक लगाएं, उन्हें लाल फूलों की माला पहनाएं, मां को कमल का फूल अर्पित करें, खील खिलौने, बताशे, मिठाइयां, फल, पैसे और सोने के आभूषण अर्पित करें, देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, देवी के वैदिक मंत्रों का जाप करें, पूरा परिवार मिलकर गणेश भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी माता की कथा सुने और उनकी आरती उतारें, पूजा खत्म होने के बाद शंखनाद करें, सभी में लक्ष्मी प्रसाद का वितरण जरूर करें। भगवान विष्णु ने गणेश जी की पात्रता प्रदान करी कि आप गणेश जी को अपने संग रखिए, और गणेश जी महाराज को संग रखा। गणेश जी महाराज ने लक्ष्मी जी को बोला कि जैसा मैं आपको कहूँ वैसा आप कीजिए। तो गणेश जी विघ्न हरने वाले हैं, रोग हरने वाले हैं, कष्टों को हरने वाले हैं, और मंगल करने वाले हैं, और सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए गणेश जी का साथ में पूजन हुआ, तो गणेश जी ने सबका मंडा भरा, सबका कल्याण करा। तो इस समय भगवान जब विष्णु श्री सागर में रहते हैं तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का वास रहता है। इसलिए गणेश सरस्वती, जो सरस्वती बल बुद्धि विद्या को देने वाली है, भई का लेखनी का पूजन कराने वाली है, वो उस कार्य की सिद्धि को प्राप्त करती है। तो इस तरह पूजन की सामग्री में रोली, मोली, चावल, गेहूँ, चावल की खील, मिष्ठान, पतासे, गुड़, कमलगट्टे और सुपारी, धनिया साबुत, साबुत मूंग, नारियल, गुड़, पतासे, ये सब सामग्री को जो भगवती को कमलगट्टे से लेकर, पुष्पमाला से लेकर, श्रीफल से लेकर भगवान भगवती को अर्पण करना चाहिए, और महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी के 8 नामों को नाम लेना चाहिए, जिससे मनुष्य मनोकामना का सिद्धि पूर्ण होकर, इस तरह से विशेष पूजन भगवती का, घी का दीपक, आरती कर भगवान को भोग लगाकर, और लक्ष्मी जी को विदा नहीं किया जाता, लक्ष्मी जी को विदा नहीं किया जाता, उनकी आरती कर सदा सदा के लिए हमारे घर में, हमारे व्यापार में और कुबेर के कोष में विराजमान हो, ऐसा लक्ष्मी जी से प्रार्थना की जाती है। माता लक्ष्मी के वैदिक मंत्र जिनका इस्तेमाल कर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दीपावली के त्योहार पर अगर आप भी बिना किसी गलती के पूजा करना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत हद तक मदद मिली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।